प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। मैं बहुत ही आसान विधियों से बेटा आपको समझाऊंगा, तो आइए ध्यान करते हैं अपना पहले न्यूमेरिकल की ओर, अर्थात पहले अंक के प्रश्न की ओर। क्या कहता है, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बेटा, उस पर लगे विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कहने का मतलब बेटा ये है, एक अल्फा कण है, ठीक है, और वो कहाँ रखा है बेटा, विद्युत क्षेत्र में रखा है। कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब वो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो पूछा गया है कि उस पर कितना विद्युत बल कार्य करेगा। क्योंकि बेटा हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जब किसी आपेक्षित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आज हम जानते हैं कि आज एक आपेक्षित कण का क्या नाम है, अल्फा कण है, ठीक है, और उसको कहाँ रखा गया है बेटा, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि इस पर कितना बल कार्य करेगा। लेकिन बल को निकालने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, और अल्फा कण ही क्या होता है, आवेश की तो बाद में बात आएगी, पहले ये तो पता चले कि अल्फा कण क्या होता है। बस सुन रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा बेटा समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा इधर रफली समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि बेटा ये विद्युत क्षेत्र है, क्या ये बेटा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है, इसके अंदर कोई अल्फा कण है, बात समझ रहे हैं, और वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। अब ये अल्फा कण एक बल का अनुभव करेगा, अर्थात इस पर बल कार्य करेगा, जिसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्फा कण क्या होता है। तो बेटा अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। बस समझ रहे हैं मेरी बात, कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैं अल्फा कण को क्या ले सकता हूँ बेटा, 2He4V लिख सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि मैं अल्फा कण को 2He4V लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही बात है। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेटा अल्फा कण पर आवेश अभी पता नहीं है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस समझ आ रही, डायरेक्टली तो मैं बता सकता हूँ आपको अल्फा कण +2E आवेश होता है, लेकिन वो कैसे आता है +2E आवेश, उसके बारे में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो समझो बच्चों कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना है, 2 है। ठीक है, अब बेटा किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जो होता है, बस समझ रहे हैं मेरी बात, यानी किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है और प्रोटोनों की संख्या को बताता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हीलियम परमाणु में, ठीक है, 2 तुम्हारे क्या है, प्रोटॉन है, और 2 ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। बस समझ में आई, यानी ये जो परमाणु क्रमांक है ये इस चीज़ को भी प्रदर्शित कर रहा है कि हीलियम परमाणु के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। बस समझ में आई, ठीक, यानी हमने कक्षा 11 में पढ़ा है किसी एटम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो द्रव्यमान संख्या, कहने मतलब ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या एक ही बात है, इसलिए कन्फ्यूज ना हो कि परमाणु क्रमांक जो है बेटा इसका कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इस नाभिक के अंदर कितने हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बस समझ में आई मेरी बात, एक बार फिर समझ लीजिए कि अल्फा कण जो होता है बेटा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि इसके अंदर 2 ही क्यों होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 ही बेटा क्यों होंगे, आप इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आई, ठीक है,
हाँ बेटा, अभी हमने पिछले वीडियोज में एक टॉपिक पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण तो क्या था बेटा? क्वांटीकरण आवेश का एक फार्मूला वहाँ पर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई, एन क्या था बेटा? मैंने एन के लिए बताया था, एन बराबर 1, 2, 3, 2 डॉट करके बताया था, यानी ये कोई क्या है? धन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर ऐसे भी बताया था मैंने कि एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात समझ रहे हैं? तो मैं उसी फार्मूले का यूज़ किया हूँ यहाँ पे भी, और वो किस लिए? अल्फा कण का आवेश निकालने के लिए। ठीक, तो अल्फा कण में बेटे कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो बेटा मैं एन बराबर कितना रखूँगा इस फार्मूले में? 2 रखूँगा। तो जब मैं 2 रखूँगा तो 2 हो जाएगा, और ई बेटा आपका ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए कहा जाता है बेटा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2e के बराबर होता है। ठीक है, और ई की वैल्यू भी हम जानते हैं बेटा, ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6×10⁻¹ कूलम के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी एक्स्ट्रा बात इस न्यूमेरिकल से हट के, और इसको समझने आपको अगर ये समझ में आया है तो अब मैं आशा करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब बेटा ये पता होना चाहिए वैल्यू क्या है, किस भौतिक राशि का मान है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उस न्यूमेरिकल के बारे में, जो जो भौतिक राशियाँ यूज हुई हैं, अर्थात जिनके मात्रा के यूज हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी न्यूटन प्रति कूलम आया है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, उसे बेटा हम कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। हमें ई का मान दिया है, ई बराबर दिया है आपको 15×10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक है, विद्युत उस पर विद्युत लगे, विद्युत भाग वाली गणना करनी है। विद्युत भाग वाला मतलब एफ का मान बताना है, विद्युत विद्युत भाग वाली नहीं, सॉरी, विद्युत बल का मान बताना है। तो विद्युत बल देखिए क्या है, यानी एफ बराबर क्या। ठीक है, और हमें क्यू का मान हम निकाल चुके हैं, अभी निकाल रहा था, हम बताने फिर से किए। क्यू बराबर क्या है बेटा आपका? 2e के बराबर है या +2e के बराबर है? बस हमें क्योंकि अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2e का मान कितना? 1.6×10⁻¹ कूलम के बराबर होता है। ये हमने अभी पढ़ा था, ई का मान होता है 1.6×10⁻¹ कूलम के बराबर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 16×32, यानी वो 16 है नहीं, 1.6 है, तो 0.1 का दिया गया बेटा, ये 0.10⁻¹ कूलम। तो अल्फा कण पर बेटा आवेश भी आपको पता चल गया। ठीक है, और बेटा आप इतना बड़ी बात ना पढ़ना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अल्फा कण पर आवेश बराबर +2e के। ठीक, अच्छा हमें क्या होता है ना बल। ठीक, तो अब सूत्र हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में, जो ई बराबर होता है बेटा, ई बराबर होता है बेटा आपका एफ अपॉन Q0 या Q, हमें परीक्षण आवेश के नाम से पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? केवल क्यू ले रहे हैं। क्यू क्या है? अल्फा कण पर आवेश है। ठीक, मैं निकालना एफ का मान यानी बल का मान, तो इसके ऊपर बेटा मैं क्या करूँगा? बन मान लूंगा। ठीक, जब मैं क्रॉस गुणा करूँगा इस टाइप से, तो एफ की गुणा जब मैं बन से करूँगा बेटा, तो क्या मुझे प्राप्त होगा? एफ ही प्राप्त होगा। एफ की गुणा जब मैं बन से करूँगा तो क्या आएगा बेटा आपका? एफ आएगा। ठीक, अब ई की गुणा किससे होगी? क्यू से होगी, तो हमें मिलेगा ई गुणा क्यू, या एफ बराबर हुआ आपका, ई की वैल्यू डाल दीजिए फिर, ई की वैल्यू कितनी है? 15×10⁴। क्यू की वैल्यू डाली, क्यू का मान कितना है बेटा? क्यू का मान है आपके पास ये 3.2×10⁻¹ कूलम। अब देखिए कर रहे हैं, अब हम 15 की गुणा कैसे करेंगे? 3.2 से करेंगे, पावर तो अभी लेस हो जाएगी। ठीक है, तो 15 की गुणा में 3.2 से करूँगा, तो पहले 2 से कर लेते हैं, तो 15×2 30, 15×2 30, 30 का 0 हासिल हो गए 3, 15×3 45, 45×3 48, कितना हुआ बेटा? 48। पॉइंट के बाद एक के बाद है, एक आध पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक, 10⁻¹।
अब ये माइनस के 19 है, प्लस के 4 है, तो माइनस वाली ज़्यादा है, 19 से 4 हटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के बेटा 15 बचेंगे न्यूटन। या इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, मानक रूप में। इसको फिजिक्स का मानक रूप क्या होता है कि पॉइंट होना चाहिए जो इस नंबर से जस्ट एक के बाद होना चाहिए, ठीक है। और अभी है कितना, एक दो, दो के बाद पॉइंट है, तो हम बेटा इस पॉइंट को इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। और उधर पावर क्या बेटा, ये वो भी बहुत याद रखना, वो माइनस की पावर है, ठीक है। जब बेटा मैं इस पॉइंट को इधर लेकर आऊँगा, यानी 4.8 लिखूँगा इसको, ठीक है, तो बेटा पावर क्या हो जाएगी, एक आपकी कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 14 रह जाएगी। बात समझ में आई, एन का मतलब बेटा बल का मात्रक है। अगर पॉइंट हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को बढ़ाते हैं, तो अगर पावर माइनस की है बेटा, तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जितने स्थान हम उसको विस्थापित करेंगे। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर लेकर जाएंगे, तो बेटा पावर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो बेटा एफ का मान आपका आ चुका है 4.8 गुना 10 माइनस के 14, ठीक है, न्यूटन। तो बेटा ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, और यही बेटा आपका आंसर है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। क्या है आपका दूसरा न्यूमेरिकल, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में, कहाँ बेटा, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर। निर्वात क्या होता है बेटा, निर्वात वह स्थान होता है जहाँ पे वायु भी नहीं होती, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, ये का मान हमें दे रखा है। सवाल ये है बेटा कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इससे, और ये क्या है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, यानी आर वाला क्या है, 1 मीटर, कि हम दूरी कहाँ से लिखते हैं बेटा, आर से लिखते हैं। 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या बताना है बेटा, तीव्रता का मान बताना है, वो कितना होगा, ठीक है, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बात समझ में आई, ये सवाल है आपका। और ये जो ई है बेटा, ई को, ई को क्या समझें आप, क्यू ही समझें, क्या समझें, क्यू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 1 मीटर दूरी पर, पहले आर का मान दिया, तो हम आर का मान को ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस चीज़ का। आर बराबर दिया बेटा आपको 1 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, ई का मान हमें दे रखा है, ई बराबर रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ई का मान मतलब क्यू का ही मान है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये इतना, ठीक है। अच्छा अब आर का मान दे रखा है और तीव्रता हमें निकालनी है, तो आर दूरी पर तीव्रता का व्यंजक हमने बेटा पढ़ा था पिछले वीडियो में, ई और आर पढ़ा था, ई और आर होता है बेटा 1/4π ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बेटा ये जो है इतना, ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका मान भी मैंने कूलाम के नियम में आपको बताया था, वो कितना बताया था आपको बेटा, इसका मान बताया था मैंने इतना, ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये सर्कल किया, इसका मान होता है 9.0 × 10⁹, ठीक है बेटा। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान ये मतलब ये 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है बेटा। अच्छा अब आर स्क्वायर, तो आर का मान बेटा कितना आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ई बराबर बेटा हो जाएगा आपके पास, ई बराबर आप देखिए बेटा ये 1.6 है ना, तो इसी गुणा करेंगे तो 9 × 56, 54 के 4 हाँ चल बेटा कितने हो गए, 5, ठीक है, हाँ चल याद रखना, 9 × 9, 9 और 5 बेटा कितने हो गए, हाँ चल गए 9 और 5, हाँ चलते हैं ना, 9 और 5 कितने हो बेटा, 14 हो गए, ठीक है। पॉइंट क्या के बाद है, एक के बाद पॉइंट है, कितने बाद है, एक। इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, पॉइंट का 0 है तब कोई इसका महत्व नहीं है बेटा, लेकिन इसका महत्व है, तो पॉइंट एक के बाद है, तो एक के बाद पॉइंट बेटा आपका ये आ गया, ठीक। अच्छा गुणा 10⁻¹, अब बेटा ये माइनस की कितनी है, 19, ये प्लस की कितनी है, 9, यानी माइनस की 19 है और प्लस की 9 है, ठीक है, तो माइनस वाली ज़्यादा है, जब माइनस 19 है मैं 9 घटाऊँगा प्लस के, तो कितने बचेंगे, वेरी गुड, माइनस के 10, कितना चाहेंगे, माइनस के 10, ठीक है। अभी 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना भी हो बेटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक।
बात समझ में आई। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, अब मैं इसको मानक रूप में लिखने वाला हूँ। तो मानक रूप क्या होता है बेटा, पॉइंट इधर से एक इधर वाले नंबर से एक के बाद होना चाहिए, एक दो, अब दो के बाद है तो मैं पॉइंट इधर लेकर आऊँगा पिछले सवाल की तरह, तो एक पावर बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए बेटा आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 1.44 × 10^2। अब पहले 10 थी ठीक है, तो पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, लेकिन पॉइंट आगे बढ़ाया ना, एक पावर कम कर दो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी बेटा ठीक है। और न्यूटन प्रति कूलाम, बात समझ में आई। ये था आपका दूसरा न्यूमेरिकल ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ नहीं पूछा, इसकी डायरेक्शन पूछने लगता कि जो ई का मान आया है, क्योंकि ये वेक्टर राशि है तो डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी हमें, है ना। हालांकि इसने पूछा नहीं है, फिर भी मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए मान लीजिए ओ पर इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉइंट ओ है, और यहाँ पर मैंने तीव्रता फाइंड की है पी पर पॉइंट पर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो तीव्रता जो होती है प्लस से बाहर की ओर होती है, या यूँ कहिए प्लस से दूर की ओर होती है और माइनस की ओर होती है, बात समझ रहे हैं। कोई मान लो कोई व्यक्ति पी पर खड़ा है ठीक है, और उसको माइनस की ओर चलना है, तो माइनस की ओर चलना बेटा इधर को तो चलना है, माइनस आवेश यही तो है बेटा, यानी ऊपर ही तो है माइनस आवेश। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि तीव्रता की जो दिशा होगी कहाँ होगी, पी से ओ की ओर होगी। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश की ओर होती है, यानी ऋण आवेश की ओर होती है। तो अगर हम दिशा की और बात करें इसकी बेटा, काय की दिशा की, दिशा की बात करें तो ये होगी पी से ओ की ओर को। तो ये तो एडवांस में है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है इसकी तीव्रता की दिशा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर सॉल्यूशन करते हैं बेटा। देखिए 1 मीटर की दूरी दी है, यानी आर का मान दिया है, आर बराबर हमको दिया है बेटा, कितना दिया 1 मीटर दिया है, कितना दिया 1 मीटर ठीक है बेटा। दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखिए बेटा, यानी ई का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा कहाँ से लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो ई का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 450 दे रखा है बेटा, और न्यूटन कूलाम इनवर्स, यानी न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है ठीक है। हमें क्या बताना है, आवेश का मान बताना है, यानी क्यू का मान मुझे बताना है ठीक है बेटा। बात समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है ठीक है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु, मान लीजिए ओ पॉइंट पर कोई चार्ज है ठीक है, पी पॉइंट पर मान लो हमें तीव्रता का मान हमें उसने दिया है, कितना दिया है बेटा, 450, 450 न्यूटन प्रति कूलाम ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इस आवेश का मान कितना होगा, बस समझ रहे हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मुझे ई का मान भी पता है ठीक है, और आर का मान पता है, आर का मान कितना है बेटा 1 मीटर है ठीक है, मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। सूत्र होता है आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखिए जो अभी हमने पढ़ा था ये तीव्रता का फार्मूला था, फिर से वो यूज करने वाले हैं हम। ई बराबर क्या होता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है बेटा, इसका मान होता है 9.0 × 10^9। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने ये इसका संख्यात्मक मान न लिख कर करके इसका न्यूमेरिकल मान लिख रहा हूँ, क्या है 9.0, उसकी जीरो को चाहे लगाओ या मतलब कोई महत्व नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, 9 × 10^9 ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है ठीक है बेटा। लेकिन मुझे का वैल्यू का निकालनी है बेटा, आर सॉरी क्यू की मान निकालना, क्यू का मान निकालना है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा इस चीज़ की, समझना सवाल को, क्योंकि 9 × 10^9 क्यू के साथ का है, मैं मल्टीप्लाई में है ठीक है, लेकिन जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ई और आर गुणा में आ जाएंगे, यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ये हो जाएगा आपका 9 × 10^9 × क्यू, यानी ये वाली वैल्यू आ गई बिल्कुल टोटल ये वाली ठीक है, और ई की गुणा कैसे हो जाएगी बेटा, आर हो जाएगी, तो ई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं क्यू का मान निकालूंगा बेटा,
तो ई का मान डाल दीजिए बेटा। ई का मान क्या है? ई का मान है बेटा आपका 450। आर स्क्वायर कितना? आर का मान कितना बेटा? वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन में क्या आएगा बेटा? इसको यहाँ नहीं लिख करके बेटा यहाँ लिखिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह हमेशा बटे के सामने आता है। ठीक है, हाँ, तो ये क्यू के साथ गुणा मतलब आपका 9 × 10⁻⁹। ठीक है बेटा, अब हम 9 से इसको भाग कर देंगे, 9 × 5 = 45, और ये जरूर बचा ये बेटा। ठीक, तो ये हो गया बेटा वह क्यू बराबर हो गया 50 × 10⁻⁴। बन के बराबर कितना भी उसका मान कितना है बेटा? बन ही होता है, लिखने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पावर जो है वो अपॉन से नीचे है, तो प्लस की हो जाएगी तो −9 हो जाएगा। ठीक, अच्छा थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें पॉइंट आ ही नहीं रहा बेटा, है ना। और लेकिन मानक रूप कहता है कि इसमें एक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो जब हम पॉइंट लगाएंगे बेटा, इसको 5.0 लिखेंगे, तो इसकी एक पावर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10⁻⁸ हो जाएगी। बस समझ में आ रही है? कूलाम। तो ये था बेटा आपका तीसरा सवाल, यानी क्यू की वैल्यू आई आपके पास 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम। तो ये था बेटा आपका तीसरा सवाल। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।